अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं इब्राहिम शेख, सोशल वर्कर। ये आज जो हम यहाँ प्रोटेस्ट का जो यहाँ पर रीज़न है, प्रोटेस्ट रखने का कारण ये है, हम चितापुर के रहवासी है, चितापुर से आए हैं। चितापुर के अंदर जो गैजेट नोटिफिकेशन 37 सर्वे नंबर 142 जो चितापुर के अंदर खतीब कब्रस्तान है, जो 54 के गैजेट में जो है गैजेट नोटिफिकेशन में एंट्री है, तो वो 9 एकड़ जाते हुए 7.5 एकड़ हुआ है। बीच का जो रोड है उसका भी हमें कंपनसेशन आज तक नहीं मिला चितापुर के अंदर। और साथ ही साथ जो है कब्रों के ऊपर जो समाधि होती है, कब्रों के ऊपर इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी ढंग से कुछ लोगों ने वहाँ पर दुकानें जो है बनाया। ये 97 में दुकानें बनी, लेकिन आज तक 25 साल हुआ है ना, उसका हिसाब किताब वक्फ बोर्ड के पास था, और हमारे पास RTI की कॉपी है, वक्फ बोर्ड ने दिया हुआ कि इसमें दुकानें ही नहीं है, एंट्री ही नहीं है दुकानें। तो ये दुकानें अचानक तो रातों रात तो नहीं बनी है साहब, ये 25 साल पुरानी है। तो हमने यहाँ वक्फ ऑफिसर को इसकी जो कंप्लेंट करने के बाद, शिकायत करने के बाद, वक्फ ऑफिसर ने हमको हेयरिंग दिया। हेयरिंग पर 6 हेयरिंग हुई हमारी वहाँ पर, 6 हेयरिंग में अभी तक का उसको नतीजे पर नहीं पहुँचे। जबकि 95 अंडर सेक्शन 90 जो कानून 1995 का जो कानून है वक्फ बोर्ड का, जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ इसका, वापस को फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वक्फ से, वक्फ इस ऑल जो प्रॉपर्टी वक्फ में वापस आना बोलकर। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वक्फ ऑफिसर अब तक इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या उनसे कुछ तो उनका सांठगांठ है, क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम एक वक्फ़ की प्रॉपर्टी को वक्फ के अंडर लेना बोलकर, जो इनलीगल तरीके से जो शॉप को बनाया गया, और इनलीगल तरीके से कमेटी अब तक का 97 में जो दुकानें बने, 2011 में जब डेमोल्यूशन हुआ मास्टर प्लानिंग के डेमोल्यूशन के बाद, ये लोग जो पुराने लोग जो दुकानें बनाए वो लोग जाके बेंगलुरु से नया परमिशन लाते हैं। क्या यहाँ पर क्या हो रहा है बेंगलुरु वालों को नहीं मालूम है? हमने 2017 की मेरी कंप्लेंट है, फिर रिसेंटली भी कंप्लेंट है 4 महीना पहले की, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड क्यों चुप बैठे? वक्फ बोर्ड हमारे सब होने के बाद इतने सालों तक वक्फ बोर्ड में ना एंट्री था ये ना कुछ था, हमारे बोलने का लाखों रुपये वक्फ बोर्ड को रिकवरी हुआ, उनसे लाखों रुपए रिकवरी की है, लेकिन हमारे बोलने पर रिकवरी करने के बाद भी अभी तक तुम कमेटी क्यों नहीं अप्रूव कर रहे? अभी तक वही लोगों के फेवर में क्यों आप बात कर रहे हैं? वही लोगों को अभी तक का जाकर जो है ना, खाली वक्फ बोर्ड वाले सिर्फ कब्रस्तान के ऊपर 7 डेज का नोटिस लगाए है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं की है, 7 डेज के बाद क्या हुआ है उनका, वो कुछ नहीं मालूम है हमको। हमारा डिमांड ये है कि साहब, जो लोग वहाँ पर इनलीगल तरीके से शॉप बनाए कब्रों के ऊपर तोड़कर, उनको जो है सजा होना, और वो लोग जो इनलीगल तरीके से अभी तक का दुकान कमेटी चलाए, उसका जो भी उसका कार्रवाई होता है उनके ऊपर उचित कार्रवाई बिठा कर उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का हमारा मेन ये है हमारा मोटो। और नई कमेटी जो है, हमारे सदर साहब, हमारे SKM सेठ जो कि पूरे गांव वाले इनके साथ है, अगर इलेक्शन भी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे सदर साहब यही चुनकर आएंगे, खाजा मोइनुद्दीन उर्फ SKM सेठ, इनके तारीद में हम यहाँ पर पूरे यहाँ लोकर आए हैं। और इसमें मस्जिद के अंदर जो है वक्फ बोर्ड वाले आकर जो है मस्जिद के अंदर मीटिंग लिए, मीटिंग लेने के बाद साइन हुआ लोगों के सहमति से इनको सदर बनाना बोलकर सर, और ये पेपर डिक्लेयर है, ऑन पेपर डिक्लेयर है, और सब कुछ होने के बाद वक्फ बोर्ड वाले हेयरिंग लिए, हेयरिंग लेने के बाद बोले कि भाई ठीक है, हम इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन बाद में जो है फर्स्ट हेयरिंग में जो है हमको बुलाया गया, लेकिन वो खुद नहीं थे। फिर सेकेंड हेयरिंग में हम जो RTI दिए, RTI में इनका जवाब था कि इनके पास हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है ये कमेटी, लेकिन सेकेंड हेयरिंग में उनके पास 2011 का परमिशन आता है। फिर हमको वक्फ बोर्ड वाले बोलते हैं कि ये गुलबर्गे से नहीं, बेंगलुरु से हुआ। तो भाई बेंगलुरु से हुआ तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बेंगलुरु से हुआ है तो क्या गुलबर्गे में क्या इसका नहीं है? गुलबर्गे में भी एंट्री होना ना, ये गुलबर्गा कौन सी वक्फ जो बोर्ड है? आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे मुस्लिम कौम जो है, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी अगर मुसलमानों तक आए और वक्फ बोर्ड तक आए, तो एक मुसलमान बेघर और बेदर्दर नहीं भटकेगा। ये हमको और आपको समझने की जरूरत है। आज इतनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, सब चोरी चोर 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 करके सब लोग, और इसमें बड़े बड़े एनुअल है, बड़े बड़े एनुअल है, बड़े बड़े सियासतदान क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर आगे बढ़कर कदम बढ़ाकर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, लेकिन वही लोग इनके ताहिद में बात कर रहे हैं, वही लोग जो है चोरों का साथ दे रहे हैं। क्यों हम आवाम नहीं है? और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिशियन वाले उनको साथ दे रहे तो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें हम आपको बराबर जवाब देंगे और इसका सबक सिखाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम शेख है, और मैं आपके ताल्लुक से, आपके माध्यम से यही और एक बार कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड तक और हमारे जो साफी सादिक साहब है, जो ऊपर वक्फ बोर्ड है, जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन तक एक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। साहब आप एक बहुत बेहतरीन वर्कर है, हमने देखा है आपका काम देखा है, और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के भी जो चेयरमैन है हबीब शर्मा साहब और अरफात साहब, इनका भी काम बहुत बेहतरीन काम है, ये भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनके ऊपर भी हमारी उंगली नहीं उठा रहे। सिर्फ हमारा कहना है कि वक्फ ऑफिसर अभी तक क्यों डिले कर रहे हैं?
वॉक ऑफिसर इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वॉक ऑफिसर पुराने हैं। ये जो हबीब शर्मा साहब और अरफाज साहब जो चेयरमैन है, ये अभी रिसेंटली अगस्त में बने हैं, फिर भी उन्होंने हमारा साथ देते हुए अभी जो है वॉक बोर्ड के अंडर में वो डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया है कब्रिस्तान। लेकिन मैं एक बात आता हूँ कि हम जो है इसका अगर हमारा इसके ऊपर जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं हुआ तो इससे बड़ा हम उराटा करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला एक महीने के बाद। जी सर, नासिर खान जी, नासिर खान उस्मान खान, चितापुर तालुका, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। मेरा मतलब ये है, हम 8 महीने से बेखूब बनाया गया, हमारे को नई कमेटी आपकी देंगे अप्रूव करेंगे बोलकर, वो क्यों नहीं हो रहा? आखिर कहाँ पर रुक गई, क्या है इसके बारे में? जल्द से जल्द जो ना इसको जो ना आप लोग जो ना पहुँचा कर मीडिया तक जो ना इसको जल्दी ख़त्म करो, और कुछ भी नहीं चाहिए। आप सभी प्रेस रिपोर्टर और जो लोग आप आए हैं जर्नलिस्ट, सबका मैं शुक्रिया करता हूँ तहे दिल से, आपने हमारा कवरेज किया और कवरेज करने के लिए आप आए। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाहे वो सेड़म हो तालुका या चितापुर हो, अफजलपुर हो, वाड़ी कालगी हो, चिंचोली हो, ऐसे सही सब जगह पर वफ की प्रॉपर्टी को कब्जा करके जो लोग बैठे हैं उनको, उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, भाई ये खुदा की राह की प्रॉपर्टी है। आपने इम्प्रूवमेंट के नाम से अगर आपने आप उस दरगाह के मुतवली है तो कौम के लिए आपने क्या किया, दरगाह के लिए क्या इम्प्रूव किया? आज चितापुर के ताल्लुक से मैं बताता हूं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बताता हूं कि भाई डिस्ट्रिक्ट में एक भी मुसलमानों के हिसाब से आप तालुका लेवल पे जाइए कि भाई वफ की प्रॉपर्टी अंडर रहते हुए ना एक दीनी इदारा आपने चालू किया, ना किसी बेवा यतीम की मदद किया, ना ऐसा कोई इस्टेब्लिश किया जो कहा कि कौम के लिए कोई यतीम की मदद या शादी के रूप में या बेवा की मदद, कोई ऐसा काम आपने आज तक नहीं किया। बस हम ये आपके माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे मुस्लिम की जो प्रॉपर्टी वफ की प्रॉपर्टी जो मुस्लिम के तहत हमारे कौम को इम्प्रूवमेंट करो और वफ की प्रॉपर्टी वफ के अंडर में लो। आवाज़ दो।